चटनी बनाने के लिए हमको चाहिए खजूर डेट्स। ये मैंने डेट्स लिए हैं, ऐसे है वे, मेरा 500 ग्राम का पैकेट है, मैं ऐसे 200 ग्राम के आसपास डेट्स लूंगी। मैंने लिए हैं लगभग 250 ग्राम कच्चे आम लिए हैं, इनको हम छील लेंगे और छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैंने इसमें ग्रीन चिली, 3 ग्रीन चिली ली है मैंने इसके लिए। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे। इसमें पड़ेगा गुड़, ये मैंने लगभग 100 से 150 ग्राम गुड़ लिया है। आप इसकी जगह शक्कर भी ले सकती हैं, और आप गुड़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकती हैं, जैसे आप मीठा खाना चाहें। हम इसमें क्योंकि डेट्स डालेंगे तो डेट्स भी मीठा होता है, तो और इसमें पड़ेगा सॉल्ट, इसमें पड़ेगा ये तेज पत्ता, और इसमें पचफोरन से हम इसको छौकेंगे। तो सबसे पहले हम अपने डेट्स को धो करके गर्म पानी में फुला लेते हैं, फिर उन्हें हम डीसीट करेंगे। अच्छे आम को पहले हम छील करके डीसीट करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, इस तरीके से छील लेंगे। और इसको हम अगर इसको हम अच्छे से इस तरीके से काट लेंगे, बहुत बड़े पीसेस नहीं रखे। ये मैंने डेट्स ले लिए हैं, ये मैंने लगभग 200 ग्राम डेट्स ले लिए हैं। अब इनको हम गर्म पानी में सोक करने के लिए रखेंगे। कर लिया है, इसको हम गर्म पानी में सोक कर देंगे, इससे ना हमारे हमारे जो खजूर हैं थोड़े से टेंडर हो जाएंगे, और इनको हम फिर इसके बाद छीलने के बाद अच्छे इसको रखेंगे हम आधा घंटा के लिए। ये देखिए, हमने अपने डेट्स को फुला लिया था, अभी अच्छे से फूल गया है, अभी इन्हें हम डीसीड कर लेंगे। और साथ में इसके जो ऊपर वाला ये पोर्शन होता है, जिस इस तरीके से इस कैप को भी निकाल देंगे, डीसीट कर लेंगे, आसानी से डीसीट हो जाएगा। हम इस पानी को, जिस पानी में हमने इसे फुलाया था, इसको हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये पानी एक तो इसमें इसका फ्लेवर आ जाता है डेट्स का, और इसको भी हम जब पकाएंगे आम को तो इसमें डालेंगे, इस तरीके से बड़े आसानी से भी निकल जाएगा। इसके सारी इसी तरीके से सारे डीसीट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें छोटा छोटा काट सकते हैं, मगर अभी इनको पकाने वाले हैं, तो पकाने के दौरान ही अच्छे से गल जाएगा, तो एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा। और हमें इसे इस तरीके से पकाना है कि इसके कुछ चंक्स हम डेट्स के कुछ चंक्स हमें मिले, ताकि वो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इस बंगाली स्टाइल चटनी को। इस तरीके से हम अपने सारे डेट्स को, ये मैंने अपने डेट्स का पेस्ट तैयार कर लिया है, जिसको हमने फुलाया था, डीसीड कर लिया है इसको, और मैंने अपने मैंगोज रॉ मैंगोज को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। चलिए अब अपनी चटनी को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन हम हीट में चढ़ाएं, 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप घी का भी प्रयोग यूज कर सकते हैं, मगर क्योंकि जब हम इसे स्टोर करेंगे तो जब फ्रिज में रखेंगे तो हमारा घी जम जाएगा, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो अब सबसे पहले हम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम पचफोरन, इसमें डालेंगे हम अपना तेज पत्ता, अब इसमें डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च, अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, बहुत जरा सी हल्दी डालनी है। अब इसमें हम डालेंगे अपने सोक किए हुए, डीशीट किए हुए खजूर, तो हमको अच्छे से पका लेना है। इसमें हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेगा, इसे हमें बढ़िया से पकाना है ताकि हमारे खजूर अच्छे से गल जाएं। वैसे क्योंकि हमने गर्म पानी में फुलाए थे तो ऑलरेडी हमारे खजूर अच्छे से गले हुए हैं। हमारा खजूर गल जाएगा तो ये जो अभी डीजल का कलर दिख रहा है, ये इससे ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, थोड़ा साइनी हो जाएगा हमारा मटेरियल जब ये पक जाएगा। तो चलिए इसको हम पका लेते हैं। देखिए हमारा खजूर पकना शुरू हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपने कटे हुए आम। अब इनको हम कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छे से पकाएंगे, और जब हमारे आम अच्छे से गल जाएंगे बढ़िया से, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और जब ये पक जाएगा अच्छे से तब इसमें हम गुड़ मिक्स करेंगे। गुड़ हम सबसे लास्ट में ही इसमें मिक्स करेंगे, नहीं तो ये कुकिंग स्टॉप हो। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम कम से कम 20 मिनट इसको ढक करके पकाएंगे, तब इससे हमारे आम अच्छे से गल जाएंगे।
देखिए जो हमने अपने खजूर और कच्चे आम को पकने के लिए रखा था अभी अच्छे से पक गया है। देखिए आम एकदम अच्छे से गल गया है बढ़िया से, अब और खजूर भी गल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम गुड़, ये लगभग मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया है, अब इसको ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें कम और ज्यादा कर सकती हैं, जितना मीठा खाना चाहें। ये मैंने धामपुर गुड़ यूज किया है, काफी मीठा होता है, तो 150 ग्राम में ही अच्छा से हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करूंगी आधा ग्लास पानी और इसके बाद अब मैं इसको खुला पकने के लिए रखूंगी, कम से 15 से 20 मिनट पकाना है हमें। मैं हाफ ग्लास का पानी ऐड कर दूंगी और इसमें मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हमारा गुड़ पिघलेगा तो एकदम से चाशनी हमको पतली लगेगी, मगर थोड़ी देर बाद जब गुड़ की चाशनी बनना शुरू हो जाएगी तो ये चटनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। हमको बहुत पतली चटनी नहीं बनानी है क्योंकि बंगाली स्टाइल की चटनी है और ये बहुत पतली नहीं बनती है, ये थोड़ी गाढ़ी बनती है और ये इसका बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आपको थोड़ी इसको गाढ़ी बनाना है, ये लीजिए। अब इसको कम से कम 15 मिनट पकाएंगे और इसमें अब इस स्टेज में मैं ऐड कर दूंगी इसमें रेड चिली। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें देखने में भी और खाने में भी। मैं रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ, मैं लगभग हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें खड़ी चिली भी डाली थी तो उसका भी फ्लेवर आया होगा। बहुत कड़वी हो जाएगी ऐसे ज्यादा डाल देंगे तो, आप अपने हिसाब से चिली को और अपने हिसाब से आप ऐड कर कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से अब इसको हम धीमी फ्लेम पर कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। देखिए अभी इसका जैसे से पकेगा ना इसका कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब इसमें सब गुड़ घुलेगा और उसकी चाशनी बनेगी एकदम बढ़िया से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। चलिए अब इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी एकदम बढ़िया से तैयार हो गई, एकदम बढ़िया पक गई है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, आपको देखने में डार्क लग रही होगी, थोड़ी सी एकदम सी बढ़िया सी साइनी हो गई है, मतलब इसका भी है कि भी अच्छे से पक गई है। अभी हमारी चटनी बढ़िया पक गई भी, आपको पतली लग रही है मगर जैसे जैसे गाढ़ी होती जाएगी गुड़ गाढ़ा होता जाएगा और चटनी काफी थिक हो जाएगी। बस अब इसको इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने के बाद स्टोर कर लेंगे। ये आराम से 15-20 दिन एकदम अच्छी बनी रहती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका खाने में। आप इसको पूरी के साथ, समोसा के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। ये हमारी मैंगो एंड डेट्स की चटनी तैयार हो गई है। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी बॉटल में, फ्रिज में इसे आराम से 15 से 20 दिन रख सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने में इसको आप जरूर बनाइएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।